पिछली क्लास में मैंने जैसे डिस्कस किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसमें वर्टिकल मोशन भी था, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस जैसे हमने लगाई थी, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से देखिए क्या दिया गया है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर, रूफ ऑफ ए टावर 60 मीटर हाई विद ब्लॉस्टी 20 मीटर पर सेकेंड, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल अप टू एन स्टैंड when strike the ground is take g equal to 10 meter per second square। चार ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट इज 50 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इज 100 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, थर्ड इज 25 बाई 3 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्थ इज 50 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। आपको वर्टिकल मोशन में काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन अप्लाई करनी है सिंपल वे से। टेक 30 सेकेंड, कोशिश करिए। आपको जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर, रूफ ऑफ ए टावर 60 मीटर हाई विद ए ब्लॉस्टी 20 मीटर पर सेकेंड, और बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड। स्टार्ट करते हैं, देखिए बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम्स। लेट दिस इज द टावर जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, और यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को विद ए स्पीड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली किसी हाइट तक जाएगा और फाइनली ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। हाइट दे रखी 20 मीटर, हमें निकालना एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल अप टू एन स्टैंड व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड इज। तो आप देखिए पहले यहाँ से तो हम ये देखना चाहिए कितनी और हाइट और ट्रेवल करेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो फाइनल स्पीड क्या होगी जीरो, तो ये तो 60 है तो ये देखना चाहते हैं और कितनी होगी। यहाँ से काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते थे, क्योंकि फाइनल स्पीड जीरो, थर्ड इक्वेशन इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते ओ से लेके लेटेस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट ए तक, तो ओ टू ए थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो फाइनल स्पीड जीरो होगी। इनिशियल स्पीड है 20 का स्क्वायर माइनस जी, तो हमेशा ही निगेटिव है 10 इंटू एच, यहाँ से एच कम्स आउट टू बी 400 डिवाइडेड बाई 20, तो दिस विल बी 20 मीटर। तो पार्टिकल और कितनी हाइट पे गया 20 मीटर, 20 मीटर जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई पार्टिकल की, ये 20 फिर से ये 20, 20, 20 कितना हो गया दैट विल बी 40 और ये 60। तो जब पार्टिकल ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा बी, व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक टू ग्राउंड, स्ट्राइक टू ग्राउंड, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये 20 प्लस 20 प्लस 60, 20 प्लस 20 प्लस 60 दिस विल बी 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी 100 मीटर। हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस आ गई 100 मीटर, अब एवरेज टोटल टाइम भी तो निकालना होगा, पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा टी, लेट टी इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। हमने माना टी टाइम है पार्टिकल जिसमें ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा, कहाँ पे स्ट्राइक करेगा बी में, हमें ये निकालना भी है। व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड, काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे, सेकेंड यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ ऐसे, तो आप देखिए यहाँ से फाइनली आया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ 20, काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन यूज कर लीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच
एस हमारा होगा माइनस 60 क्योंकि प्रोजेक्शन लेवल से नीचे आया, इनिशियल वेलोसिटी 20 इंटू टी माइनस हाफ जी इज 10 टी स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, यहाँ से देखा देखें तो ये क्वाड और फर्दर हम कर लें तो दिस विल बिकम्स माइनस माइनस 12 इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ऑब्वियसली इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, ठीक है, तो फैक्टर हो जाएंगे और यहाँ से बस सॉल्व कर लीजिए आप, बिल्कुल यहाँ से देखिए टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यहाँ से देखिए इसके फैक्टर भी हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2t माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा टी, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी टी इक्वल टू, एक आएगा 6 दूसरा आएगा टी इक्वल टू माइनस 2, माइनस तो नहीं लेंगे, टाइम कितना आ गया 6 सेकेंड, टाइम 6 सेकेंड है, डिस्टेंस निकाल दिए तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है 100 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना 6, दिस इज द एवरेज स्पीड 100/6, 100/6 मीन्स 50/3 मीटर पर सेकेंड, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, 4th।